नमस्कार मित्रों, मैं पहाड़ी राजू आज फिर आप लोगों को बकरियों के साथ, आजकल जैसे मैं अन्य लोगों के साथ कैसा जीवन उनका रहता है, कैसे वो बकरियां चराते हैं, कहाँ कहाँ वो जाते हैं, थोड़ा अनुभव महसूस करने के लिए आजकल मैं अन्यायों के साथ, बकरियों के साथ लगा हूँ। तो आज ये सुबह का समय है, सूरज हिमालयों में आ गया है, इधर हमारा जनजीवन फिर शुरू हो गया है। आज मैं पुष्कर सिंह अन्याव के थौड़ में हूँ और सबसे पहले तो आप इससे मिलिए, ये है इन बकरियों का रखवाला जहाँ हमने आज डेरा कर रखा है और इन भेड़ बकरियों के साथ हमने यहाँ टेंट लगा रखा है। आज तड़के कहते हैं हमारे पहाड़ में, यहाँ पर आज हम रह रहे हैं और इधर बकरियों के साथ जो हमारा आज का समय है वो बीतेगा और यहाँ से हम बकरियों को जंगल ले जाएंगे। ये तड़के डाल रखा है यहाँ पर, ये जैसे कि मैंने आपको देखा, ये बकरियों की रखवाली के लिए भूटिए कुत्ते होते हैं जो एक अलग ही ब्रीड के हाई एल्टीट्यूड का होता है जहाँ ये सरवाइव करते हैं। इससे मिलिए, बाघ भी इसके नज़दीक आने को ज़रा हिचकिचाता है, वो क्या भटकेगा इसके आसपास, तो इससे मिलिए। ये है, इसका नाम मैगी रखा हुआ है, मैगी है इसका नाम और पता नहीं क्यों मैगी रखा होगा। तो दोस्तों इधर बकरियों की देखभाल ही करता है ये रात को दिन में, और इधर हमारी चाय उबल चुकी है और चाय के साथ साथ इधर हमारे राजू की चिलम भी शुरू हो गई है। अब थोड़ा बेचारे ठंडे इलाके में हैं तो थोड़ा शरीर में गर्माहट के लिए चाय की सुस्कियाँ भी चल रही हैं हमारे इधर। इधर साथ ही साथ भोजन भी बन गया है, दिन का भोजन पक रहा है और खाना आना खाने के बाद फिर हम लोग फिर जंगलों को बकरी को ले जाएंगे, वहीं उनको घास हास चराएंगे, वहीं उनको पानी पिलाया जाएगा और उनके साथ समय बिताया जाएगा। तो अब ये दिन की दिनचर्या शुरू हो गई है, लगभग भोजन तैयार है, अब खाना आना खाने का समय हो चुका है। थोड़ा दिन में सूर्य भगवान आ चुके हैं, भोजन खा लेते हैं, इसके बाद इन बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ फिर जंगल को जाया जाएगा। और ये भेड़ बकरियाँ वहीं जंगल में घास हास चरेंगे। आजकल वैसे ठंडा तो है लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है इधर, अभी उतना ठंडा नहीं हो रहा है। घास भी इनके लिए चरने के लिए नीचे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है जंगलों में चरने के लिए। जाड़ों के दिनों में जहाँ ये थोड़ा आबादी क्षेत्र में गांव के नज़दीक भेड़ बकरियाँ आ जाती हैं, तो वहीं मित्रों मैं आपको इस खूबसूरत हिमालय और इस खूबसूरत बुग्यालों के भी दर्शन करा देता हूँ साथ ही साथ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो ग्रीष्मकालीन या वर्षा ऋतु होती है, जो 6 महीने के लिए बकरियाँ बुग्यालों को जाती हैं, तो वही ये खूबसूरत बुग्याल हैं जहाँ ये भेड़ बकरियाँ घास चरने को जाती हैं। ये खूबसूरत हिमालय देखिए आप, ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और उसके नीचे ये खूबसूरत मखमली घास, यही वो खूबसूरत बुग्याल हैं जहाँ ये ग्रीष्मकालीन गर्मी के दिनों में 6 महीने के प्रवास के लिए ये भेड़ें घास चरने को बुग्यालों में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे मित्रों, ये वही खूबसूरत घास के खूबसूरत मैदान हैं जहाँ एक तरफ बकरियों के लिए घास चरने को ये खूबसूरत मखमली घास, तो ऊपर वहीं हिमालयों में ये बर्फ़ जमी हुई अभी भी ऐसी रहती है। ये गर्मी के दिनों की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ और जहाँ बकरियाँ हिमालय में बुग्यालों में गर्मी में घास चरने को बुग्यालों को जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठंडा शुरू होते ही जहाँ बर्फ़ पड़ जाती है हिमालयों में, तो ये बकरियाँ फिर इधर आबादी क्षेत्र में जहाँ अभी मैं आजकल हम हैं यहाँ आ जाती हैं और इधर फिर जाड़ों में थोड़ा, जब तक गर्मियों नहीं आती हैं तब तक ये बकरियाँ यहीं पर रहती हैं, और जैसे ही थोड़ा ठंडा कम हो जाता है, ग्रीष्मकालीन दिन आ जाते हैं, बसंत ऋतु आ जाती है, बुग्यालों में बर्फ़ पिघलने लग जाती है, तो फिर ये फिर बुग्यालों को चले जाते हैं। तो मित्रों थोड़ा भेड़ बकरियाँ और अन्यायों के साथ इस खूबसूरत बुग्यालों में, इस सुमल पहाड़ों में कैसा जनजीवन रहता है थोड़ा मैंने भी महसूस करने की कोशिश की, इनके साथ समय बिताने का अवसर मिला, थोड़ा यहाँ मौका मिला मुझे भी यहाँ की खूबसूरती को देखने का, यहाँ इनके साथ रहने का। तो शाम का समय हो चुका है मित्रों, ऊपर सूर्यास्त का समय है और हिमालयों में
सूरज की लालिमा छा चुकी है और इधर हमारी शाम हो चुकी है और फिर कल एक नए सुबह के लिए निकल पड़ेंगे और आपके लिए खूबसूरत वीडियो फिर बनाकर लाऊंगा। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगेगी तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट लिखिएगा, मैं इसमें सुधार करूँगा। तो मित्रों थैंक यू सो मच और आभार आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियोस को पहाड़ी दाजू के चैनल को देखते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन खूबसूरत हिमावों से एक और नई वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच।